नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपर 30। मैं हूं आपके साथ स्वाति। और इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दालीबाग इलाके में एक बेकाबू कार रैन बसेरे में घुस गई। कार ने 8 लोगों को कुचल डाला, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कार में सवार आयुष रावत और निखिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आयुष रावत पूर्व विधायक का बेटा है। 3 आरोपियों को फरार बताया जा रहा है फिलहाल। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ नीरज मिश्रा जुड़ गए हैं। नीरज, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, मृतकों की जो पहचान है पूरे मामले में पृथ्वीराज काहू अब्दुल और गोकरण के रूप में हुई है और ये सभी पैराही के रहने वाले मजदूर हैं। और ये हादसा राजधानी लखनऊ में आज हुआ है रात को, इसमें 2 लोग डेथ हुए हैं। ये काफी कोहरे के कारण हुआ है या नशे के कारण, कुछ अभी बात नहीं बता रही है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि तो सकता है लोगों ने ड्रिंक भी की हो और उसके बाद कोहरे के कारण ये पूरा हादसा हुआ हो। इनकी साथी जांच कराई जा रही है, उस बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो जिसको पकड़ गया है आयुष, वो पूर्व विधायक का बेटा है, इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शुक्रिया नीरज तमाम अपडेट्स के लिए। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी अब जिंदगी पर भारी पड़ रही है। भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से अगले कुछ घंटे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी पड़ सकते हैं। इन इलाकों में एवलांच की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, किश्तावर, राजौरी, डोडा, पुंछ और रियासी जिले में आज शाम 5 बजे तक अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल के चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी की वजह से लगातार दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से टूट गया है। कई इलाकों में पारा 0 डिग्री से नीचे पहुंच गया। बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से राज्य का सबसे अहम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे लगातार दूसरे दिन बंद रहा। यहां करीब 1500 वाहन फंसे हुए हैं। उधर शिमला में भी 24 घंटे के अंदर 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। इलाके में सड़कें और रास्ते बंद होने के बाद बड़ी तादाद में सैलानी वहां फंसे हुए हैं। नैनीताल में भी 2 साल बाद बर्फबारी हुई, जिसमें टूरिस्ट ने जमकर मस्ती की। वहीं अमेरिका समेत दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ठंड का कहर देखा जा रहा है। यूरोप में भीषण ठंड की वजह से अब तक करीब 23 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में चल रहे 14वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी समारोह को संबोधित करेंगे। आज ही एक स्पेशल सेशन भी होगा, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हिस्सा लेने की संभावना है। पुर्तगाल के पीएम एंटोनियो कोस्टा कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह में दुनिया भर से 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे। इस आयोजन के दौरान 240 से अधिक कलाकार भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को दिखाने वाले कार्यक्रम पेश करेंगे। ये प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए एक मंच के रूप में काम करता है और वो अपने विभिन्न मुद्दों के बारे में सरकार से चर्चा कर सके और भारत में निवेश के अवसर तलाश सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने को कहा है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि जनता साथ है और जीत बीजेपी की होगी। पीएम ने टिकट बंटवारे के दौरान संगठन में काम करने वाले लोगों और जीतने वाले लोगों को तरजीह देने को कहा है। उन्होंने नेताओं के रिश्तेदारों और जानने वालों को टिकट नहीं देने की बात भी कही। पीएम ने ये भी कहा कि नोटबंदी पर विरोधियों को जनता ने नकार दिया है। पीएम ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता पर बीजेपी सक्रिय भूमिका निभाएगी।
समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें नाकाम हो चुकी है। आज मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दिल्ली पहुंचेंगे। दोनों नेता सुबह 10:45 की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले लखनऊ में कल मुलायम सिंह यादव के घर पर बैठक हुई। बैठक में शिवपाल यादव, आजम खान, अंबिका चौधरी, नारद राय और ओम प्रकाश सिंह शामिल हुए। बैठक में सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों खेमे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि अलग अलग चुनाव लड़ने की सूरत में आजम खान मुलायम सिंह के साथ ही रह सकते हैं। अखिलेश खेमे की तरफ से रामगोपाल यादव कल शाम चुनाव आयोग पहुंचे और आयोग को 1.5 लाख से ज्यादा पन्नों के रूप में अखिलेश के समर्थन में दस्तावेज सौंपे। रामगोपाल ने समाजवादी पार्टी के 5731 पदाधिकारियों में से 4716 पदाधिकारियों के समर्थन का पत्र सौंपने के बाद दावा किया है कि अखिलेश को 90% SP पदाधिकारियों का समर्थन हासिल है। साथ ही उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि चुनाव आयोग साइकिल चुनाव चिन्ह पर फैसला 9 तारीख को करेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण बिना अनुमति के किए जाने के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। ये केस मेरठ में दर्ज हुआ है। मेरठ में सुभारती विश्वविद्यालय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ने महिलाओं के साथ लाइव टेलीकास्ट संवाद किया था। डीएम के मुताबिक इस कार्यक्रम को लेकर अनुमति नहीं दी गई थी। मॉडल कोड के तहत जितना कार्यक्रम का परमिशन जारी हो रहा है उसी अनुपात में कार्यक्रम का आयोजन होना है। यदि उससे एक्सटेंडेड कोई कार्यक्रम भी होता है तो उसका भी परमिशन की आवश्यकता है। कल के परमिशन में कार्यक्रम का परमिशन था लेकिन प्रसारण का जो परमिशन है वो आयोजकों को पूरा तथ्यों का संज्ञान न होना बताया गया उनके द्वारा, लेकिन फिर भी उसमें प्राथमिकी मॉडल कोड के तहत दर्ज कराई गई है जिसमें विधिवत जो प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विवादित बयान देने के मामले में उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने देश में बढ़ती आबादी के लिए इशारों इशारों में मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस सिलसिले में मेरठ में साक्षी महाराज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही यूपी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने साक्षी के बयान को लेकर रिपोर्ट तलब की है। साक्षी महाराज के बयान से बीजेपी और केंद्र सरकार ने खुद को अलग कर लिया है। देखो भैया, मैंने उनका बयान तो देखा नहीं, लेकिन ये हम जब बात करते हैं कि सबको साथ लेकर चलने की, तो हम यहाँ पर कोई ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, डंडे से नहीं चलता। और इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इससे इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बयान, इस बयान को बीजेपी के बयान के रूप में देखना बिल्कुल कतई गलत है। इंडिया 24/7 हमेशा जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों को उठाता है। पूर्वांचल के विकास और उसकी समस्याओं को लेकर काशी में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसमें सभी सियासी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। कब पूर्वांचल के पिछड़ेपन की बात आ रही है, उसमें बंद चीनी मिलें शुरू करने की बात है, या फर्टिलाइजर में आप कह रहे हैं कि उन्होंने दोबारा शुरू किया, हम लोगों की जानकारी कि अभी दोनों जगहों पर कोई काम नहीं हो रहा है, खाली शिलान्यास हुआ है और घोषणा हुई है। और नरेंद्र मोदी जी अभी हाल में गए थे कुशीनगर चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने बंद चीनी मिलों की चर्चा नहीं की। और जब चुनाव में गए थे तो उसी जगह जाके कहे थे कि प्रधानमंत्री बनते ही मैं पूर्वांचल की चीनी मिलों को, खासतौर से पटरौना और देवरिया की चीनी मिलों को तुरंत चालू करवा दूंगा। सेंटर स्टेट के बीच में जो मुद्दे बचे हैं, सेंटर स्टेट के बीच में जो मुद्दे हैं उस पर हम मान सकते हैं कि राज्य सरकार शायद आपको कोऑपरेट न कर रही हो बदली परिस्थितियों में पिछले एक साल से या 6 महीने से, लेकिन जो शुद्ध केंद्र सरकार के जुरिस्डिक्शन में प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान तो 2.5 साल में हो जाना चाहिए। चाहे वो कानपुर की मिलों का बंदीकरण हो या पूर्वांचल के चीनी मिलों का बंदीकरण, आज तक कपड़ा मंत्रालय की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है उन बंद चीनी मिलों को शुरू करने के लिए?
उसमें तो आपको किसी राज्य सरकार की जरूरत नहीं है, किसी भी जमीन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। वो तो पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन विभाग हैं और केंद्र सरकार को फैसला लेना है, उसमें क्यों नहीं हुआ। दूसरा, आप 3 बार से गोरखपुर से MLA हैं, मुझे नहीं मालूम कि इस समय हालिया समीकरण आपका आदित्यनाथ जी से कैसा है, लेकिन शुरुआत शायद जब हुई थी तो आप आदित्यनाथ जी के बड़े प्रिय थे और आदित्यनाथ जी ने ही आपको सपोर्ट करके MLA बनाने में उनका भी बड़ा योगदान रहा। तब BJP से आप नहीं निर्दलीय शायद पहली बार MLA बने थे। आदित्यनाथ जी और उनके गुरु जी दोनों लगातार गोरखपुर से MP हो रहे हैं। गोरखपुर की हालात क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, इसके लिए कौन जवाबदेह है। केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार रही है और आदित्यनाथ जी ऐसे मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनका कि दबदबा भी है, वो अपनी शर्तों पर BJP से भी बार्गेनिंग कर लेते हैं, लेकिन गोरखपुर के विकास के लिए उनकी तरफ से क्यों नहीं कोई प्रयास हुआ या आपकी तरफ से। देखिए 22 जुलाई को शिलान्यास हुआ और मित्रों शिलान्यास से लेकर जमीन मिलने में 29 दिसंबर लग गए। एम्स के भूमि का शिलान्यास 22 जुलाई को हुआ कूड़ाघाट की जमीन पर और अभी बमुश्किल हम लोग जनवरी के 5-6 तारीख को 7 तारीख को यहाँ खड़े हैं। 29 दिसंबर को राज्य सरकार ने यह जमीन भारत सरकार को स्थानांतरित की। जब जमीन मिलेगी तो एम्स तभी बनेगा, अब जाकर के स्थानांतरित हुई। भारत सरकार ने एक महेसरा के लिए पैसा योगी आदित्यनाथ के प्रयास से दिया, 2009 में दिया, 2010 में वो पुल बन जाना चाहिए था। आज से 6 महीने पहले तक जब तक उस पुल को भारत सरकार ने अधिग्रहित नहीं किया और भारत सरकार के माध्यम से उस पुल का निर्माण नहीं शुरू हुआ, माननीय बासिन जी वहाँ एक खंभा तक नहीं खड़ा हुआ। यूपी में आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन ने 10 प्रभावित क्षेत्रों में चौपाल लगाकर लोगों को निडर होकर मतदान करने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। शनिवार को चित्रकूट की जिलाधिकारी मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक दिनेश पाल ने पाठा के 10 प्रभावित गांवों में चौपाल लगाई और ग्रामीणों को बिना लालच डर और प्रभाव की अपनी मर्जी से मतदान करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक दिनेश पाल ग्रामीणों से ही उनकी सुरक्षा के उपाय पूछने लगे। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पुलिस हर समय उपलब्ध नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि इन इलाकों में चुनावों से पहले 10 अपने समर्थित प्रत्याशियों को वोट देने का फरमान जारी करते हैं। BJP राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल खत्म हो गई है और अगली बैठक की तारीख भी तय हो गई है। BJP की अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 15 और 16 अप्रैल को होगी। आज की बैठक में PM मोदी ने राजनीतिक पार्टियों के चंदे में पारदर्शिता पर जोर दिया। साथ ही PM मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई भी की उन्होंने कल, और उन्होंने कहा कि BJP के कार्यकर्ता वो जो हवा में बहते नहीं हवा के रुख को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम गरीब और गरीबों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखते हैं, बल्कि गरीबी हमारे लिए सेवा का मौका है। मोदी ने कहा है कि हमने जो किया है उसे जनता ने स्वीकार किया है। कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक प्रस्ताव पेश किए, इसमें नोटबंदी का भी जिक्र किया गया था। और गरीबी हमारे लिए सिर्फ चुनाव जीतने का माध्यम नहीं है, हम गरीब और गरीबी को सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखते, गरीबी हमारे लिए सेवा का अवसर है। गरीब की सेवा प्रभु की सेवा के समान है, ये संकल्प लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। इलाहाबाद में रविवार को व्यापारियों की समस्याओं को मंच देने की कवायद की जा रही है। पूरे यूपी के व्यापारियों की आवाज का आगाज संगम की धरती पर हो रहे आगाज 2017 के साथ होगा। KP ग्राउंड मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा होंगे और आयोजकों के मुताबिक प्रदेश के कोने कोने से 3000 से अधिक व्यापारी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। हाईटेक व्यवस्था के अंतर्गत पूरे कार्यक्रम के दौरान यहां पहुंचने वाला हर व्यापारी डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ सीधा संवाद कर सकेगा। व्यापारियों के साथ साथ इस आयोजन को लेकर युवाओं में खास उत्सुकता देखी जा रही है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, बहुत बड़ा व्यापारियों का जनसमूह। कल हमने 11 बजे का समय दिया है, उम्मीद करते हैं कि आज
देर रात तक हमारी सारी तैयारियां पूरी हो जाएगी। जो दूर से आने वाले हैं वो 7 बजे सवेरे से लेके 11-12 तक यहाँ ग्राउंड में पहुँचते रहेंगे। उनको सुनने के लिए तमाम युवा उनसे पास मांग रहे हैं कि नंदी जी हमें आगे बैठना है, उनको सुनना है। बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें कितने सारे फ़ोन कर रहे हैं कि नंदी जी क्या प्रोग्राम है, हम कैसे आ सकते हैं। बड़े व्यापारी भी हमें फ़ोन कर रहे हैं, हम कैसे आ सकते हैं, उनके पास दे दिया जाए। मणिपुर के पश्चिमी इम्फाल में आईईडी ब्लास्ट में 2 CRPF जवान बुरी तरह से घायल हो गए। ये ब्लास्ट शनिवार शाम 6:20 के आसपास CRPF कैंप के पास हुआ। घायल जवानों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। धमाके के बाद मणिपुर पुलिस और CRPF मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इससे पहले दिसंबर में भी मणिपुर में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। मशहूर एक्टर ओम पुरी की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कोई संदिग्ध कारण तो नहीं। मुंबई पुलिस ने आकस्मिक निधन की रिपोर्ट यानी ADR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ओमपुरी का शव शुक्रवार को उनके घर में मिला था और उनके सिर पर चोट के निशान थे। ओशिवारा पुलिस थाने में उनकी मौत की वजह उनके सिर में लगी गहरी चोट को ही दर्ज की गई है जो कि दीवार की तरफ गिरने से लगी थी। कूपर अस्पताल का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट मौत की असली वजह जानने के लिए कुछ सैंपल जांच के लिए भेज चुका है। ओशिवारा पुलिस ओमपुरी के मौत की दूसरी वजह की तलाश करने में जुटी है जिसके लिए पुलिस सभी करीबियों और साथ काम करने वालों से बार बार बातचीत भी कर रही है। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दिए जाने के बीच नीति आयोग ने कहा है कि अगले 3 साल के भीतर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM और POS मशीनों की जरूरत खत्म हो जाएगी। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के मुताबिक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और सोशल इनोवेशन दोनों ही मामलों में भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस व्यापक सोशल इनोवेशन की बदौलत भारत एक लंबी छलांग लगाएगा। उनके मुताबिक 2020 तक आगामी 2-2.5 सालों में देश में इन सभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM मशीनों और POS मशीन पूरी तरह बेकार हो जाएगी। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 2 दुकानदारों को गोली मार दी। इनमें से एक दुकानदार की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। मृतक दुकानदार का नाम जितेंद्र है। पुलिस के मुताबिक वारदात करीब शाम 7:30 के आसपास हुई और 4 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आए थे और उन्होंने कई राउंड फायर किए जिसमें से जितेंद्र के सीने में गोली लगी जबकि नईम के पैर में। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस मर्डर और लूट का मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के SG अनिल बैजल ने DDA की जमीन पर बने 298 स्कूलों में नर्सरी एडमिशन का रास्ता साफ कर दिया है। अनिल बैजल ने नर्सरी एडमिशन के लिए DDA की जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों के लिए गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को नर्सरी एडमिशन के लिए तरजीह दी जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए वकील रोहित टंडन जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईडी ने रोहित टंडन की लॉ फर्म पर छापेमारी कर 13.6 करोड़ रुपए बरामद किए थे जिसके बाद उन्हें 29 दिसंबर 2016 को गिरफ्तार किया गया था। DRI ने मुंबई एयरपोर्ट से फरीदा हजूरी नाम की महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 1.16 करोड़ रुपए कीमत का सोना बरामद किया गया है। महिला दुबई से सोना लेकर आई थी और इसे तस्करों के गिरोह की सदस्य बताया जा रहा है। DRI को उसके बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी थी जिसके बाद जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में काली पीली टैक्सियों और ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और किराया बढ़ाने वाली कमेटी के साथ ऑटो टैक्सी यूनियंस ने बैठक की और इस बैठक की मांग उठाई गई है। यूनियनों की मांग है कि टैक्सी का बेस किराया 22 रुपए से बढ़कर 30 रुपए और प्रति किलोमीटर किराया 14 रुपए से बढ़ाकर
20 रुपए किया जाए। इसी तरह ऑटो रिक्शा यूनियन 2 रुपए की बढ़ोतरी की मांग कर रही है। मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई फिल्म एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भीड़ में बुरी तरह घिर गई। कोई सोनाक्षी के साथ सेल्फी लेना चाहता था तो करीब से कोई देखना चाहता था। आलम यह था कि भीड़ से घबराकर सोनाक्षी चंद मिनटों में ही वापस लौट गई। राजस्थान के चुरू में ऊंटों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार नई योजना शुरू की कर रही है और ऊंटों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार अब 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। बीते 25 साल में देश में ऊंटों की संख्या में 60% की कमी आई है। राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु के साथ साथ संरक्षित पशु भी घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के रहने वाले 8 साल के अबू अम्माज ने नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। चैंपियनशिप का आयोजन राजौरी के डीएस पब्लिक स्कूल में हुआ था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के ग्राम मुंदा में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। भीड़ ने पुलिस की जीप समेत 4 मोटरसाइकिल्स को आग के हवाले कर दिया। दरअसल लोक गायिका ममता चंद्राकर कार्यक्रम चल रहा था और भीड़ में मौजूद कुछ लोग मंच पर चढ़ गए और महिला कलाकारों के साथ बदसलूकी करने लगे। पुलिस ने इन लोगों को रोका तो हंगामा बढ़ गया। एमपी के मंदसौर में बिजली विभाग पर कुर्की के नाम पर गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि बिजली विभाग बिल नहीं जमा करने के नाम पर सरकारी अधिकारी पुलिस के साथ मिलकर जमकर मनमानी कर रहे हैं। किसी के घर में ताला जड़कर उसे बाहर सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो किसी की टीवी तो किसी की फ्रिज जब्त की गई है। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग ने कुर्की की कार्रवाई करने से पहले ना तो किसी तरह की नोटिस दी और ना ही उन्हें किसी तरह की सूचना दी गई। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा और एसएफ जवान की मौजूदगी में हमारे मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड चेतावन संभाग द्वारा विभिन्न ग्रामों में जहां पे 5-800 पर बकाया है वहां पे कुर्की जब्ती कार्रवाई की जा रही है जो कि डीआरए एक्शन के तहत की जाती है। और इसके तहत हम लोग चल अचल संपत्ति कुर करते हैं जिसमें ट्रैक्टर मोटर बाइक मोटरसाइकिल जीप या मकान सील भी करते हैं। आज कम से कम 5 मकान हमने सील किए अभी तक और 5 मोटरसाइकिल जब्त किए और 3 ट्रैक्टर जब्त किए। अभी 3-4 दिन से चालू हुई है और ये महीना भर पूरी चलेगी कंटिन्यू। इसमें पूरे ग्रामों को कवर करेंगे और लगातार 1 महीना और करेंगे। कितना बिल बकाया होने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी? 5,000 के ऊपर 5,000 के ऊपर डीएल सीएल और हमारा बिल होता है उसको बकाया जाएगी। कानपुर में चलती ट्रेन में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे एक योगा टीचर की जमकर धुनाई हुई। दिल्ली से हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस में पश्चिम बंगाल के हुबली का रहने वाला अमिताभ मिश्रा स्लीपर कोच में सफर कर रहा था। पेशे से योगा टीचर अमिताभ के सामने की सीट पर 2 लड़कियां सफर कर रही थी। अमिताभ पर लड़कियों का वीडियो बनाने का आरोप है। लड़की के विरोध करने पर अमिताभ मिश्रा खुद को आईबी का अधिकारी बताने लगा। इसके बाद कोच में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों ने भी अमिताभ का विरोध किया। जीआरपी कानपुर को खबर दी गई। ट्रेन के कानपुर पहुंचते ही अमिताभ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने आरोपी योगा टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सीरिया में हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं। एक बम धमाका टर्की की सीमा के नजदीक सीरियाई शहर एजाज में हुआ और हाल के दिनों में कथित इस्लामिक स्टेट ने एजाज शहर को निशाना बनाया है। ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस और टर्की की पहल पर सीरिया में संघर्ष विराम चल रहा है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में साइबर हस्तक्षेप को लेकर रूस को जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि चुनाव के नतीजे हैकिंग से प्रभावित नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने देश के खुफिया विभाग की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उनकी मदद की। खुफिया विभाग की इस नई रिपोर्ट में रूस पर व्हाइट हाउस की दौड़ में जीत हासिल करने में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने और ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाने का आदेश देने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी फेयरवेल स्पीच की रूपरेखा तय कर ली है। ओबामा ने इसका जिक्र अपने साप्ताहिक संबोधन में करते हुए कहा है कि इसके लिए उन्होंने अपने होम टाउन शिकागो को चुना है। टर्की में बर्फबारी अब तूफान में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं।